आम सहित वर्तमान रही पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक जी आम सहित आगामी निर्वाचन विषय में आलोचना करेंगे। सर स्वागत ओडिशा लाइव को। सर गत काली राति अधिया दल प्रार्थी तालिका घोषणा करछि, कौन तार कारण रहिला? आम काम सरलापर डिक्लेयर कले राति अधिया कौन सका कौन नवीन बाबू राति सी अन्य कार्य व्यस्त रहती दिन काम करती आम दिन बेले अन्य काम व्यस्त राति काम करू। सर जहाँ आपते कि छ मास पूर्व कांग्रेस प्रथम करी कांग्रेस आगे तार प्रार्थी तालिका घोषणा करिवो ताले एते डेरी काहे कि हला? प्रथम नले द्वितीय रे करछु तो ए सर सेटा त आपण कहितले कि प्रथमे आगे कांग्रेस डिक्लेअर चेष्टा करथुलु काहे कि वर्तमान डेरी होवार कारण होची जे बीजेपी आउ बीजेडी तांको दल एते दुर्बल जे से भलो मार्केटिंग करि परतुंत बुझ पले त हाँ ए दल नहीं जावा से दल नहीं जावा कौन कौन सी बाहन हो बा किसी प्रयोग करी हो से सब दल से खाली उंडौं बीजेडी नहीं जाऊँगी बीजेपी रु कांग्रेस रु बीजेपी नहीं जाऊँगी बीजेडी रु कांग्रेस रु बर्तमान तो आहरी किसी हम इना देखते ये चार छः दिन। सर आपणकर दलर बहुत नामी दामी विधायक वर्तमान दल छाड़ तो यही समय केमी दल आगक निर्वाचन मैदान को ओह्लैब बोली आप भावुं तो किसी असुविधा नहीं कांग्रेस बहुत पुराण दल बहुत लोक अच्छा मु बारंबार कही आदर्श विहीन राजनीति राजनीति नुहे जार आदर्श न थाए सी दल छाड़ चली जाती दल छाड़ी आदर्श विहीन राजनीति हूँ कमर्सील ट्रांजाक्शन बेपार सी जो मैंने बेपार नक केवल आदर्श थी कॉग्रेस से लड़ती आज मान आदर्श न था खाली एम एल ए हवा अमक बेपार करवा पोजिशन पाइबा सी गोटे अलग सेक्शन तेणु से दृष्टि प्रथम कहली बीजेडी बीजेपी भल मार्केटिंग पैसा पत्र अच्छी मार्केटिंग करमर तो कॉग्रेस पैसा पत्र नहीं मार्केटिंग करने आदर्श बस। सर 18 वर्ष है अपने विरोधी है राज्य में रही तो यर्ष कौन देखुं आगामी इलेक्शन केमती रही कांग्रेस कांग्रेस कौन रणनीति रमर जनसमर्थन ओडापी कार्यक्रम ये 18 वर्ष भितर ओडा आहरी दरिद्र हो चाषी मैंने हताश युवक मैंने हताश महिला मैंने सुरक्षित नुहत आदिवासी दलित किसी निर्दिष्ट कार्यक्रम है तामर मुर्दा ओडिशार प्रगति खाली एडवर्टाइजमेंट नुहे कथार नुहे कि पिठा खाई की नुहे कि कालिया देख की नुहे आम रियल ओडिशार डेवलपमेंट चाहूँ चाषींकर युवकों महिला सुरक्षा एवं आदिवासी दरिद्र अर्थनैतिक प्रगति। नवीन पटनायक एथर दुईटी आसन रु छिड़ा होती तार निर्दिष्ट कारण कौन ही पारे बोली आपड़ कहे निर्दिष्ट कारण तो मुझे कहीपर नहीं आम गोटे विरोधी भाव में बहुत हिंजड़ी को डरले कि आउ किसी न था तबे बीजेपुर कहीं गले बीजेपुर बहुत गला थर वाइड मार्जिन था जिते खसिले भी कले सीठ खसी जी आराम दृष्टि जाते सर चलित तो थर कांग्रेस किए स्टार कैंपेनर किए रे आम के स्टार अच्छे आप जानते हैं बहुत स्टार अच्छा राहुल गांधी तो तीन थर आस गले तेज निर्वाचन बेले राहुल गांधी आसी एटी ओडिशा आउ थे प्रचार करेंगे स्टार कैंपेनर हे कि सारा भारत वर्ष इलेक्शन चलती आउ थे दु थर जी आसीपारती आम खुशी हबू ना आपण सर कौ प्रतिद्वंदिता करते मत कौट जगह मिली ना सर पीसीसी सभापति जदि एमती कहे कौन आमर तो प्राइवेट दल नुहे नवीन बाबू भाया रिजनाल पार्टी नुह आम नेशनल पार्टी से दल कौटी कह कि बिल्कुल दब नहीं टिकेट किए जान दल एथर किसी नुआ मुह को सुजोग दौर जहाँ आम शुणु बहुत नुआ मुह यंग लेडीज आम चेष्टा कर रणनीति नहीं कांग्रेस ओह्ल मैदान को सत्य उपर आधारित रणनीति आय कि ना कहली परा चाषी मानकर प्रगति युवक मानकर निजुक्ति जो अन्या व्यभिचार अच्छी तापाई व्यवस्था महिला मानकर सुरक्षा आदिवासी दलित अर्थनैतिक विकास।
ଇଏ ହେଲା ଆମର ମୁର୍ଦ୍ଦା। ସାର୍ ଯେଉଁ 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇକି, ସେ ଆସନରେ କେମିତି ରହିବ ଫାଇଟ୍, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ନିଜର ଦମ ଦେଖେଇବ? ଆମେ 21ଟା ଯାକ ସିଟ୍ ଏଥର ଟକ୍କର ଦେବୁ। 6ଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ଆଗେ ବାହାରିଛି। ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଟକ୍କର ଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା କେବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି, 22 ବୋଧେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ପିସିସି ସଭାପତି? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ କି, ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କି? ହଁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ କି ବିଜେପିରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଡେରି? ସାର୍ ସେମାନେ 120 ସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ସିଟ୍ ନେବେ? ଆମେ ବିଜେପି ବାଲା ତ 120 ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 120 ଅଛି ଯେ କିଏ ନେବେ? ଆରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ମେ 23 ତାରିଖ ଜାଣିବ କାହାର କେତେ। ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିର ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।